डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ एक शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिन कंपाउंड्स की शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स, इंट्रहेलोजन कंपाउंड्स एंड जीनोन कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड्स की हम शेप आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है HClO4, सेकेंड है HClO3, थर्ड है IF5, फोर्थ है IF7, फिफ्थ है BrF5, सिक्स्थ है जीनोन ट्राइऑक्साइड, सेवन्थ है जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड O2F2, एट्थ है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, नाइन्थ जीनोन हेक्साफ्लोराइड, देन हेक्सा फ्लोराइड के बाद है जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड अगेन O2, एंड फाइनली CLF3 इंट्राहेलोजन कंपाउंड। तो आज हम इस वीडियो में इनकी शेप्स और अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट करने को पूछा है या हाइब्रिडाइजेशन आती है एग्जाम में कि क्या होगी सेंट्रल एटम की, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट शेप को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है इनको हमने ड्रॉ करना, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं HClO4 की शेप को कैसे ड्रॉ करना है। तो इसमें पहले सबसे पहले जो सेंट्रल आइटम है उस सेंट्रल आइटम के लिए आपने लुईस सिंबल लेना है यहाँ पे। तो हमें पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 10 प्लस 7 17 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे देखना जरूरी है, एक इसमें हाइड्रोजन एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ OH बॉन्ड में यहाँ पे अटैच होगा, तो इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, तो एक बॉन्ड ये सेंट्रल एटम के साथ बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, बाकी दो पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं। तो ये बॉन्ड बना दिया इसने OH के साथ क्लोरीन ने। उसके बाद तीन और ऑक्सीजन बचते हैं इसके पास, तो हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है अगर उसके साथ हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाया, अब जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ये देखिए ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, इस तरह से बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये टोटल 4 पेयर बन जाते हैं अराउंड द सेंट्रल क्लोरीन एटम। 4 मींस VSEPR थ्योरी में कहा है कि डबल बॉन्ड को भी सिंगल पेयर ही मानना है, तो इसलिए इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप होगी। अब हम इसकी शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो रफ काम था हमारा कि लुईस सिंबल से हमने स्ट्रक्चर्स को निकालना है। तो इस तरह से आप OH को आप दिखा देंगे ऊपर क्लोरीन के ऊपर, यहाँ पे दो लोन पेयर इसके ऊपर रह जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और 3 OH बॉन्ड टेट्राहेड्रल शेप में आपने यहाँ पे बना देने हैं। इस तरह से इसकी शेप हो गई है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम की वो sp3 होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। डबल बॉन्ड को भी सिंगल कंसीडर करते हैं VSEPR थ्योरी में, तो इसलिए इसकी टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। सेकेंड लेते हैं हम HClO3 की शेप को, ये बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें भी ऐसा ही करना है आपने, इसमें क्लोरीन में फिर से 7 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में, यहाँ भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड शो कर देगा यहाँ पे, और बाकी दो ऑक्सीजन बचते हैं। दो ऑक्सीजन क्या करेगा, दो पेयर को इस तरह से कवर कर लेगा क्लोरीन के, एक रह जाता है यहाँ पे पेयर जो किसी एटम्स के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इस पेयर की वजह से यहाँ पे इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और इस पेयर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी। तो इस पेयर को हम ऐसे ही रखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल स्टाइल सेम रहेगा। ये देखिए OH को जोड़ने का स्टाइल सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे दो बॉन्ड है उसको आपने इस तरह से रख देना है। 3 पेयर हुए तो 3 पेयर ट्राइगनल प्लानर ज्योमेट्री में जाएंगे, और एक इसके पास लोन पेयर ऐसे शो कर देना है आपने जो लोन पेयर है। तो इस तरह से ये शेप हो गई HClO3 की। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी, क्योंकि जो टोटल पेयर हैं अराउंड द सेंट्रल एटम 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 4 ही होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही यहाँ पे होगी। नेक्स्ट शेप को डिस्कस करते हैं, शेप नंबर 3, वो शेप है IF5 की। तो इसमें हमने फिर आयोडीन का लुईस सिंबल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा क्लोरीन का है, क्योंकि हैलोजन्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड हैं, ओनली 5 फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड हैं, जबकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर आयोडीन के।
तो इसलिए 5 यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोरीन के साथ पेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे आई के साथ, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह जाते हैं जो इसमें लोन पेयर रहता है, तो टोटल पेयर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर हो गए। तो इसका शेप होना था ऑक्टाहेड्रल, 6 पेयर के लिए VSEPR थ्योरी बोलती है कि शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल शेप इसकी नहीं होती, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और स्क्वेयर पिरामिडल शेप बन जाती है ड्यू टू लोन पेयर। तो इस तरह से आयोडीन बीच में होगा यहाँ पे, और 4 इसके जो फ्लोरीन है इस तरह से इसके साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जैसा हम करते हैं उस तरह से अटैच्ड होंगे ये सिस्टम में, स्क्वेयर में एक तरह से। 5वां फ्लोरीन आप कहीं भी लगा सकते हैं ऊपर या नीचे, तो ये इस तरह से 5th फ्लोरीन लगेगा 90 डिग्री टू दिस स्क्वेयर शेप, एंड 1 लोन पेयर ये एक साइड में आपने इस तरह से जहां फ्लोरीन होना था, अगर एक और फ्लोरीन होता इसमें तो वो यहां लगना था लेकिन यहां लोन पेयर रह गया, इसी की वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है, स्क्वेयर पिरामिडल। बहुत सिंपल है, ध्यान देने वाली बात है, हमने बॉन्ड्स देखने हैं, लोन पेयर देखना है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली हमने काउंट करने कितने पेयर हैं, तो जितने पेयर आते हैं तो वो BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी शेप होगी। अगर लोन पेयर रह जाता है, 1 रहता है, 2 रहता है, तो फिर जो VSEPR ने बोला था शेप को वो शेप नहीं होगी, उससे हटकर होगी, जैसे यहाँ ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी बट स्क्वेयर पिरामिडल हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। नेक्स्ट शेप को लेते हैं, IF7 को लेते हैं, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें आई के साथ 7 फ्लोरीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 7 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर जगह यहाँ पे क्या होगा, एक एक फ्लोरीन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके 7 IF बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो 7 IF बॉन्ड बनेंगे ये फिर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जाएंगे, जिसमें आई सेंटर में होगा और इसके साथ एक पेंटागन बना देना आपने, 5 आर्म्स वाला स्ट्रक्चर बना देना है, तो 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, यहाँ पे आपने 5 फ्लोरिन को अटैच कर देना है 5 कॉर्नर स्पेस के, और एक चला जाएगा फ्लोरिन अबव में और एक चला जाएगा विलो टू द प्लेन। इस शेप की फिर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाती है SP3D3, 3 और 3 और 3, 3, 6 हो गया और एक 7 हो गया, तो टोटल 7 पेयर हो गए, तो SP3D3 है जिसका नेम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। अगला कंपाउंड है BRF5, इंट्रहेलोजन कंपाउंड है ये भी, और यहाँ पे ब्रोमीन है, फिर से ब्रोमीन के अराउंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इसमें फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो 5 यहाँ पे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, तो 5 BRF बॉन्ड बन जाएंगे और एक इसमें भी लोन पे रह गया, तो ये बिल्कुल IF5 की तरह शेप हो जाएगी यहाँ पे, कि यहाँ पे एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर में सेंटर में ब्रोमीन है, चारों कॉर्नर पे यहाँ पे फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन है और एक तरफ लोन पेयर है, तो इसका नेम भी वही होगा स्क्वेयर पिरामिडल जो हमने पिछले शेप में डिस्कस किया, और हाइब्रिडाइजेशन इसमें टोटल पेयर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें ब्रोमीन की SP3D2 हो जाएगी, 6 के लिए 3, 2, 5 और 1, 6। नेक्स्ट शेप को लेते हैं, शेप नंबर 6, और इसको ले लेते हैं हम XeO2F2। तो XeO2F2 की शेप के लिए सेंट्रल एटम जीनोन है यहाँ पे, तो जीनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फटाफट हमने लुईस सिंबल बना देना होता है। अब देखिए इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, कितने ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन है, तो जो 2 फ्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेंगे अपने साथ शेयरिंग के लिए, और बच गए ऑक्सीजन्स 2, तो ऑक्सीजन क्योंकि और कुछ आइटम है नहीं, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ लिंक हो जाएगा, ये देखिए, और एक रह गया लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से इसकी शेप भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, 1, 2, 3, 4 टेट्राहेड्रल होनी चाहिए इसकी, लेकिन टेट्राहेड्रल ना हो करके इसकी जो शेप है 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी थी इसकी, 5 के लिए होती है, पर इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है ड्यू टू दिस, तो इस मॉलिक्यूल की शेप
इस तरह से हम बना सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे ये देखो ट्राइगनल बाईपिरामिडल होती है कि तीन चीजें ट्राइंगल में होगी, बट यहाँ लोन पेयर की वजह से यहाँ पे ये देखिए ट्राइंगल में ये आ रहा है और एक फ्लोरिन अबव टू द प्लानर शेप और एक बिलो हो जाएगा तो इस तरह से। तो इस शेप को हम बोलते हैं सी सॉ शेप। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 देखिए 5 पेयर है अराउंड द सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 3 1 4 1 5 ये काउंटिंग की जाती है 3 4 और 1 5, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसकी शेप एज पर vscpr थ्योरी होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बट शेप लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड हो गई और शेप सी सॉ शेप इसको हम बोलते हैं जो ये यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। अगली शेप लेते हैं हम XeO3 ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड की शेप को। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीनोन का लुई सिंबल बना देंगे, बहुत आसान है देखिए, इसीलिए आपको वीडियो दिया जा रहा है कि आसान हो जाए, गलती ना हो, मेन पर्पस होता है हमारा। और इसमें देखिए और कोई नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है हमें पता है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेगा ज़ीनोन के साथ और एक रह गया देखो लोन पेयर, तो टोटल हो गए इसके पास 4 पेयर्स 1 2 3 4। 4 पेयर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तो लग गया हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से इसकी शेप जो है अमोनिया की तरह हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। एक लोन पेयर है और 3 इसके साथ ऑक्सीजन, इस तरह से डिजाइन आपने टेट्राहेड्रल स्टाइल से बनाना है, तो ये इसका नाम हो जाएगा पिरामिडल शेप SHAP पिरामिडल शेप। नेक्स्ट हम लेते हैं शेप नंबर 8 और वो है XeOF4 की शेप डिस्कस कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्या है, ज़ीनोन सेंट्रल एटम है, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। अब यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन एटम्स है, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा सेंट्रल एटम के साथ और 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे यूज कर लेंगे ज़ीनोन के, एक रह गया लोन पेयर। तो अब टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पे भी, तो 6 पेयर्स के लिए हमने कहा था आपको कौन सी ज्योमेट्री होगी, 6 पेयर्स के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन लोन पेयर की वजह से वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी तो ज़ीनोन सेंटर में आएगा, चारों कॉर्नर्स पे फ्लोरीन आएंगे इस तरह से, 4 फ्लोरीन हो गए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है सेंट्रल में और एक आ गया लोन पेयर, तो इसकी शेप भी वैसी होगी स्क्वायर पिरामिडल जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें फिर ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 2 5 और 1 6। शेप नंबर 9 डिस्कस करते हैं ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की शेप को। अगेन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर देना है लुई सिंबल सेंट्रल एटम ज़ीनोन का, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 6 फ्लोरीन है इसके पास, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन ने ज़ीनोन के साथ, एक रह गया लोन पेयर, तो फिर वही है लोन पेयर की वजह से यहाँ टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल पेयर, तो होनी चाहिए पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, लेकिन इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है और वो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे 6 आपने फ्लोरीन को ऐसे जोड़ देना अराउंड द सेंट्रल एटम और एक लोन पेयर को कहीं पे आपने सेट कर देना। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3, बट इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलना आपने, क्योंकि 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होती है, एक लोन पेयर है, तो इसका नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। शेप नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, XeF2 की शेप को डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है बहुत ज्यादा, ज़ीनोन सेंट्रल है, फिर से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्लोरीन ने यूज कर लिए, रह गए 3 यहाँ पे और ये तीनों कैसे हैं, लोन पेयर हैं, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 के लिए हम जो शेप ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह की होती है एज पर वेस्पर थ्योरी कि बीच में ट्राइंगल होगा, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में सेंट्रल आइटम आएगा ज़ीनोन और क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे कॉर्नर पे क्या जाएगा, दो ही तो फ्लोरीन है, तो दोनों ऊपर और नीचे जाते हैं ऐसे और कॉर्नर पे चले जाते हैं लोन पेयर्स, जो 3 लोन पेयर्स हैं वो कॉर्नर पे चले जाएंगे, तो इसलिए इस शेप को लीनियर शेप बोलते हैं, क्योंकि लोन पेयर्स को हम शेप में कंसीडर नहीं करते जब हम नेम देते हैं शेप का, तो ये लीनियर शेप 180 डिग्री वाली शेप मानी जाती है, ये 180 डिग्री का एंगल, ये एंगल माना जाता है, तो लीनियर शेप है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इस केस में फिर से कितनी होगी, पेयर के ऊपर 1 2 3 4 5 पेयर्स है, तो हाइब्रिड
रियलाइजेशन इसमें sp3d ही होगी जो 5 के लिए होती है। शेप नंबर 11 डिस्कस करते हैं, वो है clf3 की शेप। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन सेंट्रल एटम होने से हमारा जो लुईस सिंबल है इस तरह से होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें 3 फ्लोरीन है, 1 2 3 तो क्लोरीन ने यूज कर लिया। अब 2 पेयर रह गए इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। इनकी वजह से इसकी शेप जो है वो फिर से खराब हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो कितने पेयर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 पेयर के लिए बेस्पर थ्योरी बोलती थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन वो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे बनाई थी, लेकिन यहाँ पे भी चलो डिजाइन कर लेते हैं हम। उसमें क्या है, ऐसी होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें सेंट्रल में क्लोरीन और सभी कॉर्नर पे होना था फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन तो 3 ही है, तो इसलिए फ्लोरीन एक ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ पे कॉर्नर पे होता है, बाकी 2 कॉर्नर्स पे लोन पेयर जाते हैं इस तरह से, लोन पेयर। तो इसलिए ये जो शेप है वो टी शेप कहलाती है। देखिए आप टी बन रही है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको टी शेप बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बता देते हैं आपको, ये देखिए टी बन रही है यहाँ पे, ये टी, ये देखिए टी, तो इसलिए इसको टी शेप बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ये जो ऊपर थी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही होगी इसमें। तो ये थी कुछ एक इंट्राहेलोजन कंपाउंड, जीनोन के कंपाउंड्स और क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की शेप्स। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो इनकी शेप को ड्रॉ करने के ऊपर आए, चाहे ये पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एटम के इस कंपाउंड में, या फिर VSEPR थ्योरी पे इनकी शेप को ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो आपने इस तरह से इनको अच्छी तरीके से स्कूल में अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, जिससे कि कोई गलती की संभावना वहां ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।